मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में एक ट्रक द्वारा मोटरसाइकिल सवार एक मेडिकल छात्र को टक्कर मारकर करीब 30 मीटर तक घसीटने का मामला सामने आया है। इस दुर्घटना में मेडिकल स्टूडेंट की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसके साथी को गंभीर चोटें आई हैं। चश्मदीदों का कहना है कि ये बिल्कुल दिल्ली जैसा दिल दहला देने वाला हादसा है। घटना स्थल मेडिकल कॉलेज से महज 2 किलोमीटर दूर था। अपने साथी की मौत से मेडिकल छात्र में आक्रोश भी है। वहीं संजीवनी नगर थाना अंतर्गत धवनतरी नगर पुलिस चौकी के पास बुधवार की रात 11:15 के आसपास एक ट्रक ने बाइक पर जा रहे मेडिकल कॉलेज के 2 स्टूडेंट को टक्कर मार दी। हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं छात्र टक्कर के बाद ट्रक में फंसकर करीब 30 मीटर तक घिसटती हुई चली गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार रीवा निवासी सौरभ ओझा एवं शहडोल निवासी रूबी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में MBBS थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। बुधवार की रात में दोनों अपनी बाइक से नागपुर रोड होकर बाईपास अंधमुख बाईपास की ओर आ रहे थे, तभी वहां सर्विस लेन से नागपुर की ओर जा रहा एक तेज रफ्तार ट्रक भी आ पहुंचा। उसने उन दोनों को तेज गति से टक्कर मार दी। हादसे को अंजाम देने के बाद आरोपी ट्रक चालक ने मौके से भागने के लिए रफ्तार बढ़ा दी। हादसे में छात्र तो उछल कर दूर जा गिरा, लेकिन छात्रा ट्रक के पहिए में जा फंसी। करीब 30 मीटर तक घिसटने के बाद वह दूर जाकर गिरी। हाथ पैर एवं सिर में गंभीर चोटें आने के कारण रूबी ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके साथी सौरभ ओझा को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्रत्यक्षदर्शी विवेक साहू ने बताया कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ वह अंधेरा अधिक था, इसलिए आरोपी ट्रक चालक मौके से भागने में कामयाब हो गया। कोई भी व्यक्ति ट्रक का नंबर भी नहीं देख सका। मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वह भाग निकला। बाद में 108 एम्बुलेंस को खबर की गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हाईवे सहित कई जगहों पर नाकाबंदी कर ट्रक चालक को खोजने का प्रयास शुरू कर दिया। इस बीच क्षेत्रीय जनों का आरोप था कि पुलिस की उदासीनता के चलते इस क्षेत्र में इस तरह के हादसे लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। घटना कब हुआ, कहां पर हुआ ये पूरा घटना? ये अंधमुख बाईपास चौराहा में एक ट्रक से मेडिकल कॉलेज के 2 स्टूडेंट जो हैं मोटरसाइकिल में हैं टकरा गए, जिसके कारण से एक बच्ची की मौके पर डेथ हो गई है और लड़का जो है वो अभी ठीक है, सुरक्षित है, शॉक में है। ये लगभग 10 बजे के आसपास की घटना है कि एक ट्रक बेड़ाघाट तरफ से आ रहा था, उसी समय मोटरसाइकिल में ये मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ये लोग भी आ रहे थे और संभवतः ट्रक मुड़ने वाला था, ट्रक ने इंडिकेटर दिया नहीं दिया, इन लोगों ने ओवरलुक किया, जो भी है वो मोटरसाइकिल ट्रक के पिछले भाग से टकरा गई और वो बच्ची ट्रक के पहिए तरफ गिर गई, लड़का अपोजिट साइड गिर गया, जिसके कारण से लड़के को ज़्यादा चोटें नहीं हैं, लड़की को काफ़ी चोटें थी कमर के निचले हिस्से में, जिसके कारण उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। युवती की ये युवती थर्ड ईयर की स्टूडेंट है और ये शेड्यूल के रहने वाली हैं रूबी ठाकुर, और लड़का है सौरभ ओझा, ये रीवा का रहने वाला है, ये भी MBBS थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। अभी इस विषय में चूंकि लड़का अभी कोमा स्थिति में है, बोलने की स्थिति में नहीं है, तो ये संभवतः भेड़ाघाट रोड से कहीं खाना खा के आ रहे थे या घूम के आ रहे थे। वाहन की कोई इससे अभी पता साझी हो पाई? हाँ, अभी जितने भी टोल और ये लगे हुए हैं इनमें प्रयास कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई हो जाए वाहन। ये लोग कौन सी गाड़ी में थे? ये लोग मोटरसाइकिल में थे।